और एक सवाल कि ये आपने बीच बीच में ये कैंडल्स क्यों लगाई हैं? हालांकि ये कैंडल्स क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो अपना रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, वो ये कैंडल्स यूज़ करते हैं पानी को फिल्टराइज करने के लिए। और ये मैंने हर ड्रम में बीच बीच में डाले हुए हैं। तो ये क्यों? अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन ड्रम्स में मिल जाता है, तो इन ये जो कैंडल्स हैं वो सॉइल के आसपास का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं, और ग्रेविटी की हेल्प से वो पानी नीचे चला जाता है। तो आसपास के जो ये चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी में जो पानी है वो ठहरा रहता है, वो ना रहे और मिट्टी ज़्यादा टाइम तक गीली ना रहे, और इसके लिए ये कैंडल। और एक इसका एडवांटेजेस ये है कि ये नीचे तक गई है, और इसके वजह से एरेशन है जो मिट्टी में अच्छे से प्रॉपरली होता है नीचे तक। बिकॉज़ ये चिकनी मिट्टी है तो अंदर तक मिट्टी के उतनी हवा नहीं जाती जितनी जानी चाहिए। हालांकि मैंने पत्तियां डाली हुई हैं, पर मैं फिर भी एक एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब जो मैंने अभी रिसर्च किए हैं उसके बेसिस पे इसको लगाया है। जो मिट्टी के गमले होते हैं वो आउटर साइड से अपनी एयर है वो एब्जॉर्ब करते हैं और वो प्लांट्स के रूट्स में जाती है। पर ये एक प्लास्टिक का गमला, मतलब ड्रम है, और ये प्लास्टिक के होने की वजह से जो साइड साइड का एरिया है वहाँ से ऑक्सीजन बोलिए या हवा बोलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आउटर से नहीं कर सकता, तो मैंने एक सेंटर से तो मतलब हवा जा सकती है, तो मैंने इसीलिए हर ड्रम में एक सेंटर में कैंडल डाली हुई है। इसमें भी डाली हुई हैं, बट वो भी छुपी हुई हैं बिकॉज ऑफ पत्तियां हैं काफ़ी सारी। और जब समर टाइम होता है तो ज़्यादा गर्म हो जाता है ड्रम ये प्लास्टिक का, तो वहाँ से जो इवापोरेटेड हीट, मतलब जो वेपर्स होते हैं वो इसके वजह से बाहर आ जाती है, और हवा अगर चलने लगी तो उसके वजह से जो ऊपर ऊपर का जो एरिया है वो हवा की वजह से ठंडा होता है। तो मैक्सिमम जो गर्म स्टीम है वो वहाँ पे दबी नहीं रहती, और दबी नहीं रहती तो ये जो ड्रम है वहाँ की जो सॉइल है वहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो मरते नहीं है हाई टेम्परेचर की वजह से।